हाँ जी तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे तो हम लास्ट क्लास में जनजातीय आंदोलन खत्म कर रहे थे हमारे हमने दो आंदोलन पढ़े थे एक तो एक ही आंदोलन और एक मीणा आंदोलन एक ही आंदोलन जिसे कि भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है जो कि उदयपुर के भोमट क्षेत्र के भील और ग्रासियों द्वारा शुरू किया गया था लेकिन बाद में गुजरात तक वो आंदोलन फैल गया था सिरोही के क्षेत्रों में भी वह आंदोलन फैल गया था और हम पढ़ते हैं कि उन किसानों ने सबसे पहले वो मातृकुंडिया नामक जगह से उन किसानों ने आंदोलन शुरू किया मोतीलाल तेजावत के रूप में उनको एक नेतृत्व प्राप्त हुआ मोतीलाल तेजावत जो थे वो एक ओसवाल परिवार में कोल्यारी गांव में जन्म लिया था झड़ोल ठिकाने में काम किया करते थे उन्होंने कामदार की नौकरी छोड़ के बिलों का साथ देने का निश्चय कर लिया था और उन्होंने मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी थी गोकुल जी जाट के नेतृत्व में जाट किसान भी उनके साथ में थे 21 में से हालांकि अठारह मांगे मान ली गई थी वन संपदा सुवरों वाली और बेगार से संबंधित मांग नहीं मानी गई थी पर मोतीलाल तेजावत ने उस दिन उदयपुर के जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर भाषण दिया और उन्होंने तीन मांगे तो हम खुद ही मान लेते हैं मेवाड़ रियासत में बाद में जब कार्रवाई की बात आई तो बाद में यहाँ से सिरोही की तरफ चले गए और सिरोही के किसानों को भी उन्होंने पूरी तरीके से आंदोलन आंदोलित करने का प्रयास किया था वहां के जो भील थे उनमें भी जागृति लाने का प्रयास किया था फिर फाइनली वो गुजरात की तरफ चले गए और विजयनगर रियासत के नीबड़ा नाम के गाँव में सात मार्च उन्नीस को मैद्र सटन वहां पर कार्रवाई कर देता है फायरिंग कर देता उसके अंदर कहते हैं खूब सारे भील हो थे। फरार हो जाते हैं वहां से नाइनटीन में बाद में मोतीलाल तेजावत को, को बाद में रिहा कर दिया गया था उन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बताया था प्रजामंडल मेवाड़ वाले प्रजामंडल से भी वह जुड़े रहे थे और हमने पढ़ा था उनके बारे में उनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है लोग उनको बाऊजी के नाम से पुकारा करते थे सिरोही के अंदर हमने कुछ घटनाएं पढ़ी थी हमने सिरोही में पढ़ा था कि सिरोही में जब भी आंदोलन हुआ था तो वहां पर रमाकांत मालवीय जो दीवान थे उन्होंने पतिक जी और गांधी जी के माध्यम से इस बात को निपटाने की कोशिश की थी गांधी जी ने तो यंग इंडिया में यहां तक लिख दिया था कि मोतीलाल तेजावत के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है पथिक जी भी आए थे उन्होंने तेजावत जी के साथ भी बातचीत की थी भगवानगढ़ नाम की जगह पर मिले थे गोपेश्वर नाम की जगह पे वो मालवीय जी के साथ किसानों से भी मिले थे लेकिन हल कोई नहीं निकल पाया था में भी फायरिंग कर दी गई थी सियावा और और नाम राजस्थान जो, जो अखबार निकलते थे उन्होंने सिरोही के भील आंदोलन के बारे में खूब बातें भी छापी थी हम मीणा आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे कि 1924 में अंग्रेजी सरकार ने कानून लागू किया था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जिसमें कहा गया अपराध करने वाली जनजातियां कौन कौन सी और उसमें मीणा जाति को शामिल किया गया जयपुर रियासत ने उस कानून का करते हुए में एक जरायम प्रोफेशन एक्ट लागू किया था और उसमें प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया था इसके खिलाफ मीणा जनजाति में जागृति आई उन्होंने 1933 में मीणा रीजनल महासभा का गठन किया था 1944 के अंदर नीमका थाना में जैन संत थे मगन सागर जी महाराज उन्होंने एक मीणा जाति का सम्मेलन बुलवाया उन्होंने मीन पुराण नाम की किताब लिखी उसके अंदर बाद में मीणा सुधार समिति वगैरह बनाई गई जो बंसीलाल शर्मा और राजेंद्र कुमार अजय के द्वारा बनाई शर्मा और राजेंद्र कुमार अजय के द्वारा बनाई गई थी फिर फाइनली अट्ठाइस अक्टूबर उन्नीस को बागावास के सम्मेलन में छब्बीस चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिए और उसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया फिर भी फाइनली ये जो कानून था नाइनटीन में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से ही हटाया जा सका था बापा एक आदिवासी नेता थे बड़े उन्होंने यहाँ पे जो जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिर्जा इस्माइल उनको इसके बारे में पत्र लिखकर अवगत करवाया था कि यार इस मामले की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हमने पहले सत्तावन की क्रांति पढ़ी की किस प्रकार हमने अंग्रेजों के खिलाफ अठारह के अंदर तख्ता पलट करने की कोशिश की थी हम और पढ़ रहे थे किस प्रकार हमारे किसानों ने अंग्रेजों के राजाओं के सामंतों के जमींदारों के जागीरदारों के साहूकारों के खिलाफ आंदोलन चलाए थे किस प्रकार हमारी जनजातियां थी वो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर सेट नहीं हो पाई थी उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन कर दिए थे आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार लोगों ने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए आंदोलन किए थे राजनीतिक जन जागरण पढ़ेंगे हम हमने जो किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन पढ़े थे कहीं ना कहीं वो आर्थिक मांगों से संबंधित थे इकोनॉमिक डिमांड्स उनके अंदर अंदर ज्यादा हुआ करती थी थी आज हम पढ़ेंगे कि लोग पॉलिटिकली भी किस प्रकार अवेयर हो रहे थे पॉलिटिकल अवेकनिंग लोगों के अंदर बढ़ रही थी, वो कौन से संगठन थे जिनके माध्यम से पॉलिटिकल अवेकनिंग बढ़ी थी उन लोगों द्वारा क्या प्रयास किए गए वो तमाम बातें आज पढ़ने की कोशिश करेंगे हम आज से शुरू करेंगे अगले तीन चार पांच दिन के वीडियो लगेंगे जिनके अंदर आएंगे और आप मेरी बात का यकीन मानना की आप पिछले कुछ सालों के पेपर उठा के देखना, इस, से हो हैं। कि इस से तो आएंगे, ही आएंगे खूब सारे, सारे संगठन होंगे थोड़ा सा दिलीप सर कहते हैं वो बात कि जिस टॉपिक को पढ़ने में ज्यादा जोर आता है इसका मतलब वह टॉपिक ज्यादा अच्छा है वहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहेगी तो हम आज वो बात करते हैं लिखा हुआ आपके सामने टॉपिक कि

पत्रकार जो तो प्रताप नाम का 1913 से वीकली न्यूज पेपर निकालते गणेश विद्यार्थी अपने किसान आंदोलनों के अगवा विजय सिंह पथिक अजमेर के आर्य समाज के एक मुख्य कार्यकर्ता चांदकरण शारदा आदि ने इस संगठन की स्थापना की पहले कानपुर में इसका कार्यालय बनाया जा रहा था क्योंकि कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी थे कानपुर मारवाड़ी पूंजीपतियों का मुख्य केंद्र था कानपुर में मजदूर आंदोलन चल रहे थे इसलिए राजनीतिक चेतना का स्तर बहुत ऊंचा था लेकिन बाद में राजस्थान के अंदर इसका सेंटर स्थापित किया गया सेंटर कौन सा था अजमेर इसका सेंटर स्थापित किया गया उन्नीस में दिल्ली में इसका अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे गिरधर शर्मा क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का हुआ था उन्नीस में कांग्रेस का अमृतसर में हुआ तो इन्होंने भी अपना अमृतसर में किया इनका याद तो उन्नीस सौ बीस वाला ही रखना है नहीं उ, इसी के अंदर कैसरी और गोपाल जैसे जो क्रांतिकारी थे जो जेल से छूट के आए थे उन्होंने भाग लिए थे और 1920 में फिर कांग्रेस के समानांतर इन्होंने किया नागपुर के अंदर किया केलकर को अध्यक्ष बनाना था केलकर किसी वजह से नहीं आ पाए तो जयपुर के गणेश नारायण सोमानी थे उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी और इसके अंदर ही विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों की प्रदर्शनी लगाई गई ये बातें कांग्रेस तक पहुंची और कांग्रेस ने कहा कि देशी राज्यों के जो लोग हैं वो भी कांग्रेस के सदस्य बन सकते हैं उसके बाद राजपुताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस के अनुसंगी सबोर्डिनेट समिति ही मान लिया गया कमेटी मान लिया गया उसके बाद इसके कोई आगे अधिवेशन वगैरह अपने को बड़े अधिवेशन वगैरह को देखने को नहीं मिलते ये राजपुताना मध्य भारत सभा याद रखना भाई एक संगठन और बना अपने आप चाहो तो इसके उद्देश्य भी बता लो मैं राजपूताना मध्य भारत सभा के क्या उद्देश्य थे एक तो रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करवाना उत्तरदायी शासन की मांग करना उत्तरदायी शासन समझते हो आप ये जो एक वर्ड है उत्तरदायी शासन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भाई राजा का जो राज हुआ करता था ना वो किसी के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं है राजा ने कह दिया तो कह दिया लोकतंत्र है वो जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल है इनकी मांग ये थी कि राजा अपनी सीट पे बैठे रहो राजा को हम नहीं हटाएंगे सुनना मेरी बात इन सब ने यह कहा कि राजा बैठा रहे सीट पे कोई दिक्कत नहीं है राजा को नहीं हटाया जाएगा पर इसमें जनता के लोग शामिल करो जो मंत्री बनते हैं नीचे वो जनता के अंदर से लिए जाने चाहिए और राजा इनसे पूछ के काम करे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार किया जाए संवैधानिक राजतंत्र जैसी कुछ लेके आए और ऐसा जो शासन होगा वो कहीं ना कहीं जनता के प्रति उत्तरदायी होगा रेस्पॉन्सिबल होगा इसलिए हमें एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करनी है इसका दूसरा क्या था कि कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना है आपने को कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना है तो ये संगठन के उद्देश्य भी थे तो याद रख लेना थोड़ी सी बातें मेंस में लिखने के लिए काम आए जी कभी पूछ ले ऐसे संगठन के बारे में तो राजस्थान सेवा संघ गांधी जी का एक ठिकाना हुआ करता था वर्धा तो ये संगठन 1919 में वर्धा में बना था वर्धा के अंदर यह संगठन बनाया गया था मैं अभी और बताऊंगा कैसे क्या बातें वापस करेंगे हम उन्नीस अब मैंने लिख दिया वर्धा में इसकी स्थापना इसके इसके संस्थापक कौन थे वही विजय विजय सिंह सिंह पथिक पथिक भी उधर जनरल लाल बजाज बड़े नेता है इधर तो का यह संगठन है विजय सिंह पथिक दूसरा एक बड़ा नाम याद रखना आपने तो राम नारायण चौधरी बताए हुए हैं मेरे किसान आंदोलनों के कितने बड़े नेता रहे हम सब ने पढ़ा है अब ये सारे नाम आपने पढ़े में आपको जोर नहीं आएगा ज्यादा एक नाम और आपके हरी भाई किंकर ये तीन मुख्य नाम याद रखना आपने तो विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी और हरी भाई किंकर हालांकि थे अर्जुन लाल सेठी भी जुड़े हुए थे इससे केसरी सिंह बारठ भी जुड़े हुए थे इससे पर ये तीन नाम एग्जाम में पूछे जाते इनके तीनों के पक्के याद कर लेना

विजय सिंह पथिक जयनारायण व्यास विजय सिंह पथिक माणिकलाल वर्मा विजय सिंह पथिक मोतीलाल तेजावत विजय सिंह पथिक राम नारायण चौधरी विजय विजय सिंह सिंह पथिक पथिक तो चारों में आ गए कहा नहीं भाई और राम नारायण चौधरी अब बच्चों ने विजय सिंह पथिक राम नारायण चौधरी याद किया दोनों याद करना है विजय सिंह पथिक राम नारायण चौधरी विजय सिंह पथिक राम नारायण चौधरी अगली बार आरपीसी ने फिर चेंज किया कि इनमें से कौन कौन या इनमें से कौन सा एक युगम इनमें से कौन सा एक जोड़ा राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक माने जाते हैं चार ऑप्शन दिए विजय सिंह पथिक राम नारायण चौधरी माणिकलाल वर्मा विजय सिंह पथिक राम नारायण चौधरी जयन व्यास विजय सिंह पथिक राम नारायण चौधरी हीरालाल शास्त्री विजय सिंह पथिक राम नारायण चौधरी हरिभाई किंकर स्टूडेंट को लगा यार दो याद करके आए थे विजय सिंह पथिक राम नारायण चौधरी वो तो तीनों में आ गए तो याद रखना तीसरा बाद में कौन है एक और हरिभाई किंकर अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारठ भी रहे थे आपके दिमाग में रहे तो लिख लेना पर ज्यादातर किताबें अपने तीन के बारे में लिखती है इसलिए तीन नाम याद कर लो वरना इतने ज्यादा फैक्ट आप याद होंगे नहीं पर तीन तो पक्का याद रखना तो 1919 के अंदर वर्धा में इसकी स्थापना हुई थी और आपके विजय सिंह पथिक राम नारायण चौधरी और भाई किंकर ने इसकी स्थापना की थी उद्देश्य क्या था अब बड़ा जोरदार सा है। कि राजा और सामंतों के जो प्रजा के साथ संबंध है वो अच्छे बनाने हार्मोनियस करने हैं सौहार्द पूर्ण करने हैं उनको हमारा उद्देश्य राजा तथा जनता सामंत तथा जनता के बीच में संबंधों में मधुरता लाना है उन संबंधों को अच्छा करना है राजा और जनता के बीच में जो भी क्लेश चल रहे हैं जो भी टसल चल रही है उन टसल को दूर करना है तो आप देख लो राजस्थान सेवा संघ ने जहां पर भी किसान आंदोलन वगैरह थे उन सब के अंदर राजाओं के साथ में कहीं ना कहीं समझौते वगैरह करवाने में किसानों की मांग उठाने में सब में मुख्य भूमिका निभाई आप बिजोलिया वाले किसान आंदोलन के अंदर इनको देखते हैं वाले में इनमें दो में सीधे सीधे सी भागीदारी है इनकी बिजोली तो। और बाकी सब में बूंदी वाले में भी अप्रत्यक्ष रूप से नैनूराम शर्मा थे तो इनके सदस्य ही थे अपने आप आप वाले के अंदर भी देखते हो अखबार के अंदर तो उसको भी छाप रहे थे वो लोग आप सिरोही वाले भील आंदोलन को देखते हो उसके बारे में भी इनके पास जानकारियां थी तो ये थोड़ी सी से राजस्थान सेवा संघ की याद रखना फिर राजस्थान सेवा संघ तो बहुत ढंग से काम भी कर रहा था पर वो 1927 के अंदर जाके विजय सिंह पथिक के राम नारायण चौधरी के बीच में बंदी बंद हो गई थी और उसके बाद में मतभेद इतने उग्र हो गए थे अट्ठाईस तो हो गया था सत्ताईस से खत्म होने की प्रक्रिया उसकी शुरू हो गई थी 28. में पूरी तरीके से राजस्थान सेवा संघ टूट गया दुर्भाग्य ही रहा एक बड़ा संगठन था बाद में भी जारी रहता शायद और जनता की मांगे उठा पाता रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए और अच्छा आंदोलन कर पाता पर जितने समय भी मैं मैं भी रहा था बहुत अच्छे प्रयास किए थे इसने पहले वर्धा के अंदर ही था लेकिन बाद में इसका भी अजमेर के अंदर लेके आ गए थे पहले शुरुआत में वर्धा में स्थापना की थी लेकिन बाद में अजमेर के अंदर स्थापित कर लिया था इसका भी। न्यूज पेपर ये, ये सुनने वाली सी बात है दो न्यूज पेपर थे वैसे तो राजस्थान सेवा संघ का तो एक ही न्यूज पेपर था नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान कहते थे पर पहले कहते हैं कि जो विजय सिंह पथिक थे वो गांधी जी से मिले थे तो गांधी जी ने इनको कहा था कि यार आपको एक अखबार निकालना चाहिए तो इन्होंने शुरुआत के अंदर एक अखबार निकाला था उस अखबार का इनके नाम था राजस्थान केसरी वो राजस्थान सेवा संघ वालों का तो नहीं था पर विजय सिंह पथिकर वर्धा से ही निकालते हैं तो इसके साथ जुड़ी हुई घटना है पहले राजस्थान केसरी निकाला था उसके बाद ही वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ बनाया गया था तो अखबार निकाला था राजस्थान केसरी मैं कई बातें बताऊंगा देखो आपको राजस्थान केसरी नाम का एक समाचार पत्र वहां से निकालना शुरू किया था ये साथ साथ में बने हुए आपके राजस्थान सेवा संघ भी वर्धा से और राजस्थान केसरी भी वर्धा से पहले तो एक बात तो यह याद रखनी कि इसका नाम केसरी क्यों है ये केसरी सिंह बरठ के नाम पर केसरी सिंह बरठ के नाम पर इसका नाम राजस्थान केसरी रखा गया था एक तो यह याद रखने वाला फिर तीन याद यह रखने कि इसके संपादक कौन थे इसके उप संपादक कौन थे अखबार निकालने में पैसे लगेंगे तो पैसे कौन दिया करता था आर्थिक सहायता कौन उपलब्ध करवाया करता था इसके संपादक बनाए गए थे विजय सिंह पथिक इसके उपसंपादक बनाए गए थे रामनारायण चौधरी और इसके आर्थिक सहायता सेठ जी देंगे सेठ जी कौन तो जमलालाल बजाज तो तो आर्थिक सहायता दिया करते थे बजाज। तो तीन याद रख लेना। आप राजस्थान केसरी वर्धा से निकलता था संपादक थे विजय सिंह पथिक को एडिटर थे राम नारायण चौधरी और जो इकोनॉमिक हेल्प इसके लिए दी थी वो लाल बजाज ने दी थी तो वर्धा मैंने इसलिए बता दिया कि भाई ये दोनों बातें आपके याद रह जाए कि भाई वर्धा से पहले राजस्थान सेवा संघ और वर्धा से अखबार संगठन कौन सा बनाया वर्धा में तो राजस्थान सेवा संघ वर्धा में अखबार कौन सा निकाला था इन लोगों ने तो राजस्थान केसरी निकाला था हालांकि ये लंबे टाइम तक नहीं निकल पाया था राजस्थान केसरी तो इनसे बाद में बंद हो गया था पर तीन चार बातें याद रहे राजस्थान केसरी का ऐसा नाम क्यों है तो केसरी सिंह बार के नाम पर राजस्थान केसरी केसरी सिंह तब रिया होकर आए थे नाइनटीन के अंदर और संपादक थे विजय सिंह पथिक उप थे राम नारायण चौधरी आर्थिक सहायता दी थी जमनाला बजाज एक अखबार और अपना पढ़ावा नवीन राजस्थान ये अपने अजमेर से निकालते थे 1922 में इसको अजमेर से निकालना शुरू किया था इन लोगों ने विजय सिंह पथिक ने निकालना शुरू किया फिर 1923 में इसका नाम बदल कर कर दिया गया था तरुण राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी थी तो इन्होंने नाम चेंज कर लिया अखबार का तरुण राजस्थान निकालना शुरू कर दिया था और इससे तो आपके खूब सारे विजय सिंह पथिक जुड़े हुए थे ही एक तो वो तो याद ही रखना विजय सिंह पथिक ने निकाला था बाद में दो लोग मुख्य रूप से याद रखने राम नारायण चौधरी लंबे समय तक इसके संपादक रहे थे शोभा इसके संपादक रहे थे जयनारायण व्यास इसके संपादक रहे थे पर जयनारायण व्यास ने बाद में इसको ब्यावर से निकालना शुरू कर दिया था यह बात याद रखनी है मुझे याद है कि एग्जाम में क्वेश्चन था कि ब्यावर से जयनारायण व्यास कौन सा अखबार निकालते थे, थे तो राजस्थान निकाला करते थे रामनारायण चौधरी को और सोबाराम गुप्त को 1924 में इस अखबार के लिए गिरफ्तार किया गया था किस अखबार के अंदर आप सरकार के खिलाफ लिखते हैं हालांकि राम नारायण चौधरी को तो रिहा कर दिया गया था पर इन सोबाराम गुप्त को दो साल की जेल भी थी दो साल की सजा भुगतनी पड़ी थी राजस्थान से, सेवा संघ का मुखपत्र मान सकते हो आप इसको जैसे अपने पढ़ते भाई शिवसेना वालों का अखबार है सामना वैसे राजस्थान सेवा संघ वालों का जो अखबार था उस अखबार का नाम था नवीन राजस्थान अजमेर से निकलता था बाद में इसका नाम बदल कर, कर दिया था तरुण राजस्थान विजय सिंह पथिक ने निकाला था इसको बाद में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त इसके संपादक बने थे इन दोनों को गिरफ्तार भी किया गया था देशद्रोह के आरोप में कि आप गलत जानकारियां लिखते हैं शोभा राम गुप्त को तो दो साल की जेल भी हुई थी बाद में इसको जयनारायण व्यास ने ब्यावर से निकालना शुरू कर दिया ये दोनों राजस्थान संघ से जुड़े हुए थे इसलिए मैंने दोनों आपको एक साथ पढ़ा दिया यहाँ पर किन अखबारों के बारे में भी अपने ध्यान में रखा जाए थोड़ी बातें इन्होंने भी राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया था ये लाइन बहुत अच्छी सी यश वैभव की चाह नहीं परवाह नहीं जीवन रहे ना रहे इच्छा है तो यह है जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे ये नवीन राजस्थान पे पंक्तियां लिखी हुई थी विजय सिंह पथिक की ये पंक्तियां हैं जो नवीन राजस्थान पे लिखी जाती थी आरपीसी के एक एग्जाम का क्वेश्चन है यश वैभव की चाह नहीं परवाह नहीं जीवन रहे ना रहे इच्छा है तो यह है जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे यह पंक्तियां कौन से अखबार पर लिखी जाती थी तो नवीन राजस्थान पर पंक्तियां लिखी जाती थी और किसने किसकी पंक्तियां तो विजय सिंह पथिक की दोनों बातें याद रखना मैंने हालांकि अखबार का फोटो देखने की कोशिश की थी फोटो मुझे तो गूगल पे मिला नहीं आपको मिल जाए तो और अच्छी बात है पर फिर ये पंक्तियां मुझे याद थी लाइने याद थी तो मुझे लगा यार ये बता दें तो आपके भी थोड़ा ठीक रहे क्वेश्चन पूछा हुआ है कोई वापस उठा के नहीं पूछ ले इस क्वेश्चन को फिर बात करते हैं फिर एक बड़ा संगठन है देखो पूरे भारत की रियासतों का एक संगठन बनाया गया था अखिल भारतीय लोक परिषद कांग्रेस 1920 के अंदर कह देती है कि भाई देशी राज्यों के लोग हैं वो भी कांग्रेस के सदस्य बन सकते हैं पर कांग्रेस अभी भी देशी राज्यों में आंदोलन नहीं चलाना चाहती थी और कांग्रेस को ऐसा लगता था कि यार यदि हमने देशी राज्यों में आंदोलन चलाया तो हमारी शक्तियां दो भागों में बंट जाएगी आदि जो शक्तियां हैं वो तो अंग्रेजों के खिलाफ लगेगी आधी शक्तियां हैं वो राजाओं के खिलाफ लगेगी ना तो अंग्रेज निकल पाएंगे अपने देश से ढंग से और ना राजा खत्म हो पाएंगे इसलिए यार शक्तियों का बंटवारा नहीं करना एक बार पूरा ध्यान अंग्रेजों के खिलाफ लगाया जाना चाहिए और जब देश से अंग्रेज चले जाएंगे ना उसके बाद देखेंगे कि राजाओं के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है तो कांग्रेस देशी राज्यों में आंदोलन चलाना नहीं चाहती थी तो देसी राज्यों अब भारत में लगभग साढ़े पांच सौ देसी राज्य थे यार और उनको लगता था यार ये ठीक भेदभाव है हमारे साथ ये तो गलत किया जा रहा है साढ़े पांच सौ रियासतों का दो दो आदमी भी यदि कांग्रेस के अधिवेशन में जाते तो ग्यारह सो आदमी हो गए एक एक भी जाए तो साढ़े पांच सौ लोग हो गए इन साढ़े पांच सौ ने सोचा कि यार कांग्रेस के पीछे पीछे घूमना ही क्यों है खुद की पार्टी बनाते हैं अपने तो खुद की पार्टी बना ली जाए और खुद की पार्टी बना के कांग्रेस अपने ब्रिटिश इंडिया में आंदोलन करती रहे और अपने तो अपने देशी रियासतों में आंदोलन करते रहेंगे तो खैर ये काम ठीक है 1922 में पूना के अंदर ऐसा प्लान तैयार किया गया पूना में एक मीटिंग हुई और इस की मीटिंग के अंदर कहा गया कि देसी रियासतों को भी एक संगठन बनाना चाहिए देसी रियासतों के प्रतिनिधियों की प्रिंसली स्टेट्स के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे उनकी एक मीटिंग भी। पर बातें हैं बातों का क्या बातें हुई लेकिन इंप्लीमेंट नहीं की गई चार साल तक तो कोई आगे कार्यक्रम बढ़ा ही नहीं उन्नीस में वापस सीजे और 1926 के अंदर कहा गया कि यार किया जाए इस पर कुछ ना कुछ एक समिति का गठन किया गया और समिति कहा भाई बनाओ आप एक संगठन बनाने की बात करो फाइनली समिति ने अपनी सिफारिशें दी और बातें हुई उसके आधार पर 1927 में एक संगठन सामने आया बॉम्बे के अंदर एक संगठन बनाया गया याद रखना आप ये क्वेश्चन पूछा हुआ है स्थापना कब हुई और कहा हुई दोनों चीजें संगठन का नाम देखिए आप अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत के देशी राज्य मतलब रियासतों की लोक मतलब जनता की परिषद मतलब पार्टी पूरे भारत के रियासतों के लोगों की पार्टी ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कब बनी 1927 में कहां बनी बॉम्बे में यह बात याद रखनी वाली याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं 1927 में बॉम्बे में एक पार्टी बनी है जिसका नाम है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद नाम की पार्टी कहां पर बन रही है बॉम्बे कौन बना रहा है तो इसके जो अध्यक्ष थे वो तो थे दीवान बहादुर रामचंद्र राव दीवान बहादुर रामचंद्र राव जो थे वो तो थे इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने वाले थे वाइस प्रेसिडेंट जो बनाए गए थे वो अपने पथिक जी थे ये एक बड़ी बात है याद रखने वाली बात है, ये, यही पूछेंगे अध्यक्ष साहब से कोई पूछेगा ही नहीं ये पूछे जाएंगे और इसी में लिख देता हूं मैं। अपने राजस्थान और मध्य भारत की जिम्मेदारी वो आपने को और मध्य प्रदेश को हमेशा साथ में कंसिडर किया करते थे राजस्थान और मध्य भारत के सचिव बनाए गए थे नारायण चौधरी के सचिव कौन हो ये बनाए गए आपके नारायण चौधरी तीन नाम ध्यान रखने आपको अध्यक्ष कौन थे दीवान बहादुर रामचंद्र राव अपने कोई मतलब नहीं इनसे उपाध्यक्ष अपने वाले थे विजय सिंह राजपूतान और, और मध्य भारत की जिम्मेदारी किसको दी गई यहां का सेक्रेटरी यहां के सचिव किसको बनाया गया तो अपने राम नारायण जी को बना दिया गया सेठ जी आप इधर वाले मीटर देख लो पार्टी कौन सी है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद नाम याद कर लें अगले पांच छह दिन तक मैं लगातार इस पार्टी का जिक्र करूंगा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है बॉम्बे में बनी है उन्नीस के अंदर इस पार्टी का निर्माण किया गया और अपने वालों को यह, यह जिम्मेदारी दी गई इसके अंदर और पढ़ते हैं इसके बारे में स्थापना वगैरह तो मैंने बताई दी कैसे कैसे क्या है वो स्थापना तो और दूसरी बात देखते सत्ताइस में ये पार्टी बनी स्थापना भी इसकी ये बातें कांग्रेस को पता चली तो 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस वाले हम डर लगा वाले तो अलग जा रहे हैं कांग्रेस का एक कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और इस कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा मतलब बाकायदा प्रस्ताव पारित किया इस अधिवेशन में तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके कहा कि देसी राज्यों के जो राजा है वो जनता को शासन में शामिल करें देसी राज्य में शासन में जनता की भागीदारी हो प्रस्ताव पारित करके बात की कहने का मतलब है कि कांग्रेस ने कहा देखो भाई हम भी आपके सपोर्ट में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं डरता गोगो जी धोखे इतने दिन तक कांग्रेस वालों को लगता था टेकन फॉर ग्रांटेड थे कि रियासत वाले कहां जाएंगे झकमरा के यहां आएंगे अपने पास में पर अब जब कांग्रेस को लगा कि अलग पार्टी बन गई तो कांग्रेस ने कहा सपोर्ट तो करो और नहीं तो क्या मांग है इनकी इनकी मांग है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का हम भी कहते हैं साहब प्रस्ताव पारित करते हैं कि जितने भी राजा है वो अपनी अपनी रियासत में देसी जो राज्य है वो अपनी अपनी रियासत में जो जनता है उसको गवर्नमेंट में भागीदारी दे उसको शासन के अंदर भागीदारी दे पार्टिसिपेट दे उनको उनके अंदर से मंत्री बने उनके अंदर से सदस्य बने ये सब वो करना चाहे बह तो थोड़ा और जोश है इसके अंदर का अच्छा पार्टी बनाते अपने तो इनको ही झुका दिया अब राजस्थान की मध्य भारत की जिम्मेदारी किसको दी हुई तो आपने दी हुई राजस्थान और मध्य भारत की जिम्मेदारी दी हुई थी राम नारायण जी को तो राम नारायण जी ने कहा भाई ठीक है पार्टी का नाम है अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद अपने राजस्थान में भी इसकी एक इकाई बनाई जाए और 1928 में ही इन लोगों ने अपने राजस्थान में इकाई बना ली उसका नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अखिल भारतीय टागे राजपुताना लिख दिया और कर दिया एक पार्टी और बना ली राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद अपने राम नारायण जी ने यह पार्टी बना लेते हैं आप सत्ताईस में बनी है अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का राजस्थान वाली एक इकाई बनाई जाए ब्रांच बनाई जाए वही जैसे बीजेपी पूरे भारत की है फिर राजस्थान की बीजेपी है कांग्रेस पूरे भारत की है फिर राजस्थान की कांग्रेस है वैसे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद पूरे भारत की रियासतों की पार्टी है राजस्थान की रियासतों की पार्टी है राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद अठाईस में बनी इनका पहला अधिवेशन जो हुआ वो उन्नीस में हुआ

और सब लोगों ने बात की कि अब अपने को पूरे अलग अलग रियासतों के अंदर राजस्थान में यह आंदोलन चलाना चाहिए जनता का आंदोलन चलाना चाहिए प्रजा का आंदोलन चलाना चाहिए इसलिए नाम है प्रजा मंडल आंदोलन इसलिए हम कल वाली क्लासों से आगे पढ़ेंगे कि 1931 से अपने यहां पे प्रजा मंडल आंदोलन शुरू हो गए थे कि प्रजा द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए जाएंगे तो उन आंदोलनों को अपने क्या कहा गया था तो उन आंदोलनों को अपने प्रजामंडल कहा गया था वापस बताऊं मैं ये थोड़ी सी वापस ध्यान देने वाली बातें देखना 1927 में बॉम्बे में पहले ये यहां से 1922 में बाईस के अंदर देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की बैठक वीर का पार्टी बनाई जाए छब्बीस इस में इसके लिए एक समिति का गठन किया गया सत्ताईस में ये पार्टी बनी जिसका नाम अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो कि बॉम्बे में बनी है इसके अध्यक्ष थे दीवान बहादुर रामचंद्र राव इसके उपाध्यक्ष हुआ कर थे दिग्विजय सिंह पथिक राजपुताना और मध्य भारत का सेक्रेटरी बनाया गया था राम नारायण चौधरी को इस बात से कांग्रेस दुखी हुई और कांग्रेस ने आतो कांग्रेस के उन्नीस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसके अंदर उन्होंने कहा कि देशी राज्यों को हम 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 कहते कहते हैं 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 राजाओं राजाओं के खिलाफ हम एक प्रस्ताव पारित करते हैं और हम राजाओं से कहते हैं कि वो लोग भी जनता को शासन में भागीदारी दे 28 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजस्थान वाली कई बनी जिसका नाम था राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद इकतीस में इन लोगों ने अपना पहला अधिवेशन बुलाया अजमेर के अंदर राम नारायण चौधरी अध्यक्ष थे और कहा गया अब तो हर प्रांत के अंदर हर रियासत में बीकानेर का अलग टोंक का अलग भरतपुर का अलग धौलपुर का अलग जोधपुर में अलग सब जगह प्रजा के आंदोलन चलाने उनको अपने क्या बोलते हैं प्रजामंडल आंदोलन और हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे कि 1931 से अपने यहां पे क्या शुरू हो जाते हैं प्रजामंडल आंदोलन उन्नीस से अपने यहां पर प्रजामंडल आंदोलन शुरू हो जाते हैं अब एक और खास बात जो याद रखने वाली जब प्रजामंडल आंदोलन शुरू हो गए ना अब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद वालों ने अपनी अपनी रियासतों में सब जगह अपने आंदोलन करने शुरू कर दिए पार्टियां मनाई गई इन पार्टियों के नाम कहीं प्रजा मंडल है कहीं प्रजा परिषद है कहीं लोक परिषद है है जनता की पार्टियां जनता के आंदोलन कर रही है कांग्रेस में और हड़कंप मचा और कांग्रेस वालों को लगा यार मामला गंभीर होता जा रहा है 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है हरिपुरा में गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है हरिपुरा वहां पर कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है सुभाष बाबू पहली बार अध्यक्ष बनते हैं सुभाष बोस इसमें अध्यक्ष बने गए थे और सुभाष बोस ने इसके अंदर पूछा क्या आजकल कांग्रेस वाले जो मीटिंग होती है सेशन होते हैं इसमें वो क्यों नहीं आते देसी राज्यों वाले लोगों ने कहा पार्टी बना ली खुद तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे हैं कोई और आंदोलन चलाने शुरू कर दिए उन लोगों ने अपने अपने आंदोलन चला रहे हैं प्रजामंडल आंदोलन कांग्रेस तो सपोर्ट करती नहीं है उनको कांग्रेस तो बस प्रस्ताव पारित करके रख देती है उन्नीस में पहली बार कांग्रेस ने कहा कि हम प्रजामंडलों को समर्थन देते हैं याद रखना क्वेश्चन पूछा हुआ वा है वापस कोई पूछ लेगा कि कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलनों को अपना समर्थन कब दे दिया था 1938 इस बात को और याद रखना मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको 1938 में राजस्थान में सबसे अधिक प्रजामंडल बने इकतीस से प्रजामंडल शुरू होते हैं कोई इकतीस में बनता है चौतीस में बनते हैं छत्तीस में बनते हैं पर सबसे ज्यादा प्रजामंडल यदि बने थे तो अड़तीस के अंदर बने थे तो तीन पार्टियां याद रखना जिन्होंने राजस्थान में जन जागरण करने का प्रयास किया था शुरुआत में राजपुता मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा ये करती है जो हमारे यहाँ के नेताओं द्वारा चलाई गई थी पर वो मतभेदों की वजह से अन्य किसी कारणों से वो पार्टियां खत्म हो गई फिर एक पार्टी जो पूरे भारत की बनी थी उसका असर राजस्थान में भी दिखाई दिया भारत में बनी थी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद राजस्थान में उसकी यूनिट थी राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद प्रत्येक रियासत में उसकी जो यूनिट थी उसके नाम हुआ करते थे प्रजामंडल कल से हम प्रजामंडल शुरू करेंगे हमारी अलग अलग रियासत के सारे प्रजामंडल हम पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद